आज के समय में हर इंसान हर व्यक्ति ये चाहता है कि जीवन खुशहाली से बीते, जिसके लिए लोग ज्योतिषियों के बारे में बताया जाता है, जिनका प्रयोग करने के बाद लोगों के जीवन में कई तरह के बदलाव भी देखने को मिलता है। आज हम आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उनके बारे में बताने जा रहे हैं जिनके ऊपर शनि देव महाराज की विशेष कृपा से धन का अधिक लाभ होने वाला है। तो चलिए आपको बताते हैं उन चार राशियों के बारे में जिनके जीवन में दशहरे से पहले किस्मत चमकने जा रही है। पहला मेष राशि। अगर बात करें सबसे पहली राशि की, तो सबसे पहला नाम मेष राशि का आता है। दशहरे से पहले आपके जीवन में कई तरह के बदलाव भी देखने को मिलेंगे। किसी को दिया हुआ धन आपको वापस मिलने की संभावना है। पैसों से जुड़ी हुई समस्या खत्म हो जाएगी। नया जीवन साथी मिलने की संभावना है। आने वाले समय में आप नया मकान खरीद सकते हैं। कोई भी लिया हुआ फैसला आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। दूसरी राशि में कर्क राशि का नाम सबसे पहले आता है। आपको बता दें कि काम के चलते आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ सकती है, जिसका फायदा आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। अपने क्रोध पर थोड़ा ध्यान देना होगा। लड़ाई झगड़े के मामलों में आप सावधान रहें। आपका भाग्य आपको कामयाबी की राह दिखा सकता है। जो लोग अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन लोगों को बहुत जल्दी नौकरी भी मिल सकती है। बात करें तीसरी राशि की, तो तीसरी राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए नौकरी पेशा वाले लोगों को धन का योग बन रहा है। अनचाहे धन की प्राप्ति होगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होने के कारण आप नया मकान भी खरीद सकते हैं। आने वाले समय में तुला राशि वाले लोगों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। सेहत पर थोड़ा ध्यान देना आपके लिए अच्छा होगा। वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा। घर में किसी मेहमान के आने की संभावना है। बात करें चौथी राशि की, तो चौथी राशि कुंभ राशि है। कुंभ राशि वाले लोगों को दशहरे से पहले कोई भी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपके ये लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। अचानक धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आपके आने वाले समय में नौकरी पेशा वाले लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अचानक से धन मिलने की संभावना है। प्यार के मामले में आप थोड़ा सतर्क रहें, नहीं तो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट 9 भक्ति सागर से विनीत राय की रिपोर्ट।